नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाले डोसे का प्योर साउथ इंडियन स्टाइल आलू, जो हम मसाले डोसे में भरते हैं। तो चलिए बनाते हैं मसाले डोसे का आलू। मसाला डोसा आलू के लिए मैंने लिया है उबले हुए 4 आलू, धुली उड़द की दाल, राई, प्याज कुछ मोटा सा कटा हुआ, हरी धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, नींबू और करी पत्ता, जो कि मैंने इस तरह लंबा सा काट लिया है, और साथ में ये किचन मसाले। सबसे पहले हम आलूओं को फोड़ लेंगे। ये देखिए, मैंने आलूओं को कुछ इस तरह से फोड़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम छौंका लगाएंगे। ऑयल गरम करके सबसे पहले हम डालेंगे राई, थोड़ा सा ढक दीजिए। राई चटक चुकी है, इसमें अब हम डालेंगे उड़द दाल, अदरक, अब इन सबको सौते कर लेंगे, हरी मिर्च, प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी सिर्फ कलर के लिए डालनी है। नमक, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, इस आलू को यदि आपको और मसालेदार बनाना है तो आप धनिया पाउडर और गरम मसाला इसमें डाल सकते हैं। अब डालेंगे आलू। आलू को अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, गैस को मीडियम आंच में रखकर आलू को खूब अच्छे से भून लेना है। आलू खूब अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारा मसाला डोसा आलू तैयार है। इसको हरी धनिया से गार्निश करेंगे। दोस्तों, अब ये मसाला आलू डोसे में भरने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, इस प्रकार दक्षिण भारतीय पारंपरिक विधि से आप आलू बनाकर मसाला डोसा तैयार कर सकते हैं, जिसे सांभर और नारियल चटनी के साथ एंजॉय करें।